स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वेलकम टू एसटी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस क्लासेस वी विल स्टडी अबाउट द एज ऑफ मसीह चैप्टर 10। सो यू ऑल्सो ओपन योर बुक एंड वी विल स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एज ऑफ मसीह पढ़ना चालू किया था। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने मेटल टूल्स और स्टीम इंजन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक हम लोगों ने इन अ प्रीवियस क्लास हम लोगों ने खत्म कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड एंड नो मोर अबाउट मास प्रोडक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन क्या होता है, वही हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये भी द एज ऑफ मशीन का एक टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर मास प्रोडक्शन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, और उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक एंड वी विल स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, मास प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। विथ द यूज ऑफ मशीन्स गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे जैसे मशीन ज्यादा डेवलप से डेवलप्ड जो मशीन है वो हमारे सामने आते गए, तो हमारा काम और भी क्या हुआ, आसान होता गया। वैसे ही इंडस्ट्री में जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड मशीन आने लगे, तो क्या हुआ, बहुत अच्छा अच्छा गुड्स यानी कि सामान और बहुत कम टाइम में तैयार होने लगा और ज्यादा मात्रा में। वही यहाँ पे कह रहा है कि विथ द यूज ऑफ मशीन गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मीन्स की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तैयार होने लगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ थिंग्स वेयर नाउ प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में सामान, गुड्स, प्रोडक्ट्स तैयार होने लगे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय लगता था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में सामान तैयार होकर हमारे सामने आ जाता था। वो क्यों आ जाता था? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन, क्योंकि हमारे सामने नए नए टेक्नोलॉजी के मशीन थे जिसमें कि सिर्फ रॉ मटेरियल डालना था और वो विदिन मिनट उसको क्या करता था, 100,000 प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देता था। सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। इसी मेथड को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। किस मेथड को? कि जब हम मॉडर्न मशीन यूज करते हैं और मॉडर्न मशीन को यूज करने से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स तैयार हो जाता है, गुड्स सामान तैयार हो जाता है। इसी को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन इन शॉर्ट टाइम। ओके, तो जो मास प्रोडक्शन है इसका कुछ एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज मतलब कि इसकी कुछ एडवांटेज कहने का मतलब है कि इसकी बहुत सारे इसके गुण है। गुण मतलब कि बहुत सारे एडवांटेज है जो हम लोगों के सामने है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है मास प्रोडक्शन का, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि इन अर्लियर टाइम जो मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो
अच्छा होता था। सेकंड चीज कि इसको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स एक बार में तैयार होके हमारे सामने आ जाता था। थर्ड चीज इसको कॉस्ट बहुत कम लगता था। तो एब्सोल्युटली इसको प्रॉफिट होगा नहीं होगा। ओके सो ये क्या करता था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने लगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस। ओके जब जैसे कि स्टूडेंट्स कोई आदमी हैंडमेड जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हैंडमेड जो सामान होता है इन कंपेयर टू जो फैक्ट्री से बन के निकलता है वो हैंडमेड सामान को ज्यादा महंगा मिलता है। जैसे आप जयपुर वगैरह में चले जाइए तो वहाँ पे जो हैंडमेड दुपट्टा हो गया, जूती हो गया या फिर इयर रिंग्स वगैरह होगा वो आपको ज्यादा महंगा मिलेगा कंपेयर टू जो मशीन से या फिर फैक्ट्री से तैयार होकर निकला है उसकी। क्यों? क्योंकि वो एक चीज को बनाने में एक दिन दो दिन का समय लेते हैं मगर फैक्ट्री में आधे घंटे में एक घंटे में बहुत ज्यादा हजारों हजार प्रोडक्ट्स तैयार हो जाता है। तो जहाँ पे एक बार में उतना प्रोडक्ट्स तैयार हो जाता है मशीन के हेल्प से तो उस प्रोडक्ट का जो दाम है जो प्राइस है वो कम होगा ही। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, कम होता है। इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को जहाँ ये फैक्ट्रीज लगी हुई होती है वहां पे उनकी काबिलियत के हिसाब से वो क्या करता है, जॉब भी देता है। बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, जो जिस हिसाब की किसी काबिलियत है। जैसे कोई लेबर क्लास का है तो कोई सिलाई बुनाई करना जानता है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई मैनेजर है। इस टाइप से ये क्या करता है, हमारे कंपनी में एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है इन लार्ज ह्यूज अमाउंट। ओके एंड द लास्ट जो हमारा है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इम्प्रूव्ड। क्योंकि वो मशीन में तैयार होकर निकलता है वेल और टेक्नोलॉजी वाले मशीन में, तो इसलिए उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग जैसे जो कस्टमर्स होते हैं उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसको लेते हैं क्योंकि उसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी कम है और हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल भी है। तो इसलिए कस्टमर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होता है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे सामने आता है तो उसी को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम लगता है कंपेयर टू हैंडमेड। इट लीड्स टू मच इंक्रीज प्रॉफिट, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इम्प्रूव। क्वालिटी जो होता है प्रोडक्ट का वो अच्छा होता है। ओके सो इन टुडेज क्लास स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, तो आपको आज बस एक ही टॉपिक मैंने खत्म करवाया है मास प्रोडक्शन को, इसलिए आपको उसको अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। HW have question number first to explain mass production। Okay, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, explain mass production and second नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने क्लास में देखा है कि मास प्रोडक्शन क्या होता है,
तो पहला है एक्सप्लेन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है। सेकंड है राइट द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का थ्री एडवांटेज लिखना है जो कि हमारे बुक में शायद 5 और 6 है। ओके सो डू इट, अगर बुक नहीं है तो फिर बोर्ड पे भी मैंने सारा ही करवा दिया है। तो आपको ये होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना है इन योर नोटबुक। ओके सो कंप्लीट दिस।